जय गुरुदेव। मेरा नाम एकाक्षर है। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपको एक कथा सुनाना चाहूँगा। कथा का शीर्षक है झूठा गुड़। एक समय की बात है, रामपुर नामक ग्राम में एक सज्जन माधव रहा करते थे। वह पास के चबूतरे पर बैठकर अपना समय व्यतीत किया करते थे। एक दिन एक वृद्ध धनी पुरुष का आगमन हुआ। वह पास के चबूतरे पर बैठकर गौ माता को संबोधित करते हुए बोले, हे गौ माता, यह गुड़ खा लीजिए। यह सुनते ही गौ माता ने गुड़ खा लिया। गौ माता के जाने के उपरांत सज्जन पुरुष ने गुड़ को झूठा गुड़ खा लिया। यह देखकर माधव बहुत अचंभित हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, आप इतने धनी होकर के भी गाय का झूठा गुड़ क्यों खा रहे हैं? इन्होंने उत्तर दिया, यह गुड़ मेरे लिए अमृत समान है। माधव के आग्रह करने पर इन्होंने सारा वृत्तांत बता दिया। वर्षों पूर्व दरिद्रता वश मुझे भूखे रहने का कष्ट सहना पड़ा था। व्याकुल होकर मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पास में ही एक व्यक्ति गौ माता को गुड़ डाल रहा था, किंतु गौ माता ने उसे नहीं खाया। कुछ देर सोचने के उपरांत मैंने गुड़ को खा लिया। यही क्रम 4-5 दिनों तक चलता रहा। एक दिन दुर्भाग्य की काली चादर उठ चुकी थी। मुझे ढाबे में काम मिल चुका था। पहली पगार मिलते ही मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और गौ माता को परोस दिया। इस बार गौ माता ने सारा गुड़ खा लिया। इसका साफ मतलब यह था कि इतने दिनों तक गौ माता ने मेरे लिए गुड़ छोड़ा हुआ था। आज मैं 4 फर्मों का मालिक हूँ, पर अब तक मैं इन गौ माता को नहीं बिसरा पाया हूँ। मेरी अंतरात्मा की शांति इनका झूठे गुड़ की मिठास है। यह कहकर वह सज्जन पुरुष वहां से चले गए। गौ माता गौ लोक की अमूल्य निधि है, जिनकी रचना ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए की है। वह भूलोक में साक्षात ईश्वर हैं। धन्यवाद।